सीधी बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं काइट्स के सुपर हीरो ऋतिक रोशन से। इस फिल्म के अंदर बारबरा मोरी भी है और कंगना भी है। फिल्म में बारबरा मोरी की ज्यादा चर्चा होती है और टैबलॉइड्स को आपको गुस्सा भी आया होगा जब पढ़ा होगा आपने, उसके बाद आपको पता नहीं कैसे फील किया, कैसे रिजॉल्व किया कि बारबरा मोरी के साथ आपके कोई स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप होगी। लगा होगा कि बारबरा सुजैन चली गई छोड़ के, आपकी बहन छोड़ के चली गई, आपका इश्क चल रहा था उनके साथ, तो आपको हंसी आई, दुख हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, आई एम इंडिफरेंट बिकॉज आई लर्न दिस। मीडिया के ऊपर हंसी आई कि नहीं आपको? नहीं, आई फॉरगिव बिकॉज माफ कर दिया आपने। पीपल डोंट नो व्हाट दे डू। जो लोग हैं, एवरीवन इज लिविंग विद अ लॉट ऑफ एंग्स्ट, लॉट ऑफ स्ट्रेस इन देयर लाइव्स। काम का स्ट्रेस होता है, घर में कुक से फाइट होता है, और यू नो इट्स सो मेनी, देयर इज मनी स्ट्रेस, तो पीपल नीड टू वेंट देयर एंग्स्ट। तो आपके ऊपर निकाल दिया। समटाइम्स यू वेंट योर एंग्स्ट एट समबडी इंपॉर्टेंट, ताकि आप गुस्सा निकाला कि आप इंपॉर्टेंट हो। मतलब आपको लगता है पत्रकार, अगर कोई मुझे देख नहीं रहा है तो मैं कुछ ऐसे अगर लिख के आई एंगर समबडी, तो वो एटलीस्ट ही लुक एट मी, गुस्से में ही लुक एट मी, यू नो। सो ऋतिक रोशन का जो परिवर्तन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऋतिक रोशन, फिलोसॉफिकल हो गया। आई थिंक लाइक दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये जब अभी नोटिस किया हमने कि आप एक ऋतिक रोशन हैपनिंग, जब मैं छोटा था, डांस इतना बढ़िया करना, लोग देखने जाते हैं ऋतिक रोशन की टांगे कैसे थरथराती हैं, दिल कैसा थरथराता है ये नहीं कुछ देखने जाता। ऋतिक रोशन इसमें तो दिल थरथरा रहा है आपका, हार्ट से काम किया आपने, आंखों में थ्रू द स्क्रीन सब कुछ दिखता है। व्हाट यू आर इज व्हाट यू कैन क्रिएट, यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग दैट यू आर नॉट। क्योंकि लोग सोचते हैं कि आपकी तो शक्ल जो है इस तरह की है विच फिट्स इंटरनेशनल प्रोफाइल। दूसरा लोगों का कहना है कि ग्रीक प्रोफाइल है ये, जिसलिए आप यू आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंटरनेशनल की, इंडिया से बाहर अगर किसी को होता ही है कि व्हेन आई गो अब्रॉड आई लुक लाइक द कॉमन मैन। आपको कई बार एवरीबॉडी लुक्स लाइक दिस, सो देयर इज नथिंग स्पेशल। तो दूसरा बात इसके अंदर आई, क्योंकि आपने लेट एंट्री शुरू की फिल्मों के अंदर, 27 साल की उम्र के अंदर आपकी पहली फिल्म शायद आई, उससे पहले की थी छोटी मोटी आपने, पर फुल फ्लैज फिल्म 27 साल की उम्र के अंदर आई, तो लेट स्टार्ट करने का एक आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप 35-36 या जो भी उम्र आपकी होगी, तो उसके अंदर आपको जो बाकी लोगों ने ज्यादा करके अचीव किया आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप फिल्में भी कम करते हैं। तो लेट एंट्री से आपको कोई नुकसान हुआ आपके कॉम्पिटिशन के लिए, आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई गॉट सक्सेस इमीडिएटली, and then I very luckily failure bhi I got jaldi very very soon, which is good because then I learned things. ab jo film mein aapki aa rahi hai jaise ye kites aa rahi hai dekhenge uske iske baad guzarish aa rahi hai, guzarish mein ek alag kisam ka role hai, usme aapko bahut mehnat karni padi hogi lagta hai? ha mehnat to bahut hi, because it is a very it's a film that talks about some very harsh truths of our world, aur उसके गुजारिश में क्या आप एक अपाहिज लड़के बच्चे की है, प्लेइंग ए पैरालाइज्ड मैन व्हील चेयर पे, सारी एक्टिंग व्हील चेयर पे, आप गर्दन से लेके मेरे टोज तक आई एम पैरालाइज्ड, तो ऑल आई कैन मूव इज माय फेस। तो ये क्या लगता है कि ये भी एक पार्ट ऑफ द रिदम है कि हर फिल्म स्टार को एक इस तरह का रोल करना है? शाहरुख खान ने भी किया, अमित सिंह ने भी किया, ये सब लोग जो है एक सोशल कॉज के लिए एक्टिंग करना जरूरी है, या आप चाहते हैं कि इस तरह से एक एक्टिंग का अपना तरीका होता है? मुझे सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा है, आई जस्ट फॉलो माई इंस्टिंक्ट्स, वट एवर आई इफ द स्क्रिप्ट हेल्प्स मी टू वेंट समथिंग दैट इज इनसाइड मी, और इफ आई कैन रिफ्लेक्ट वॉट इज ऑन पेपर इनसाइड, देन आई हैव टू डू दैट। तो लगता है कि ये जरूरी ही करना इस तरह के रोल, या नेचुरल रोल जो ऋतिक रोशन है, एक अच्छा रोमांटिक गुड लुकिंग डांसर जिसमें फिट बैठता है, तो ये बदलने की जरूरत क्या है आपने आपको? आई डोंट थिंक लाइक दिस, आई डोंट मैन्युपुलेट के लोगों लोग क्या देखना चाहते हैं, आई डोंट थिंक लाइक दैट। लोगों के लिए तो काम करते हैं सब लोग, फिल्म सक्सेसफुल होगी बॉक्स ऑफिस जब पैसे आएंगे तभी ना, वो सब इज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर मैं ऑनेस्टली अगर मैंने अपना काम नहीं किया, अगर मैंने माइंड से किया, देन आई विल स्टार्ट बिकमिंग कैलकुलेटिव एंड मैन्युपुलेटिव, कि अब थोड़ी एक कॉमेडी दे देता हूं, नाउ आई डू दिस, नाउ आई डू दैट, ताकि आई विल सेटिस्फाई हिम देयर एंड हिम देयर एंड हिम देयर, देन दैट इज आई विल नेवर फाइंड माई सेल्फ। तो कोशिश ये है कि आई एम ऑन अ पर्सनल
मिशन टू इवॉल्व एज मच एज आई कैन. उसके बाद क्या करने वाले, कुछ और भी अच्छा था नाम है? गुजारिश के बाद है जोया अख्तर की फिल्म. नाम क्या? नाम इस वक्त इज अ टेंटेटिव टाइटल नाउ, इट्स कॉल्ड जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. चलो उसके ऊपर ही बात करूंगा मैं, आप ब्रेक लेता हूं और ब्रेक में पूछूंगा 5 तीखे सवाल आपसे. ऋतिक से हम पूछेंगे 5 तीखे सवाल. एक्टर नहीं होते ऋतिक रोशन क्या होते? मोटा होता, नोशो. मोटा शायद एक जिम खोल के मैं बैठ जाता कहीं, और आई माइट हैव इवन बीन अ प्रोड्यूसर. फूडी तो आप है ना, खाना भी है, शौक है आपको बनाने का, बहुत खाने का भी बहुत शौक है, बहुत शौक. एक ऐसी बात, ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ अभी आपने काम नहीं किया तो करना चाहते हैं? नॉट वर्क विथ माधुरी. माधुरी के साथ काम करेंगे आप? आई वुड लव टू. आई नॉट वर्क विथ काजोल. उसमें कौन था, उसके मां बेटे का रोल होगा, कौन सा रोल होगा? जो भी टाइप का रोल तो कुछ जो रोमांटिक करना चाहेंगे ना आप, तो प्यार करना चाहेंगे ना? नहीं नहीं, व्हाटएवर वे, जस्ट टू बी यू नो इन द सेम प्लेटफॉर्म विद ग्रेट एक्टर्स इज ऑलवेज फन. कहो ना प्यार और काइट्स दोनों के ऋतिक रोशन में क्या फर्क है? कहो ना प्यार है कि ऋतिक रोशन में एक डर था ऑफ प्लीजिंग एवरीवन. काइट्स के ऋतिक रोशन को ये डर नहीं है कि मेरी बात कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है और कौन क्या कहने वाला है. आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई ट्रूथ एंड माई ऑनेस्टी. ऋतिक रोशन उसका सपना क्या है? माई ड्रीम आई थिंक इज टू कि अपने सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख के आई एक ऐसे मुकाम पर मैं पहुंचूं वेर आई कैन लुक बैक विद अ स्माइल ऑन माई फेस. नहीं कहना पूछे, सपना बताऊं कि आप फिल्म इंडस्ट्री के दिलीप कुमार बनना चाहेंगे या राज कपूर बनना चाहेंगे? ऐसी देयर इज नो सच ड्रीम. माई वर्क, मेरा जो काम है दैट इज माई प्री ऑक्यूपेशन, दैट इज नॉट माई एंड ऑल. वर्क इज अ मीन्स टू एन एंड, और वो जो एंड है. तो इसका सपना आपका ये कि आप अपने काम को पूजा मानते हैं? काम को पूजा मानता हूं, बट दैट इज नॉट माई वर्ल्ड. That is not my world. My mission is somewhere else. I don't know what it is, but this is just a means to get there. मतलब ऐसा कोई clear सपना नहीं है कोई? एक magical light है. I am choosing my stepping stones. That is leading me toward that magical light. Now what that is, I don't know. So those stepping stones. चलो आप उस magical light को chase करेंगे, मिराज की तरह कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको. एक बार जब मैं पहुंच जाऊंगा then I will be able to express it. चलो आप उसको चेज करिए, ढूंढिए उसको. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. तो ये थी आज की मुलाकात. सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं. हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com. अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की. इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक.